अपना लोहा बजा जो पुराना भोपाल कहना था, असंदिग्ध रूप से उसके लीडर वहां सेवा और काम करने वाले और धर्म और संस्कृति के लिए काम करने वाले भाई श्री आलोक शर्मा जी, भाई किशन सूर्यवंशी जी, भाई मिली जी, सुनील जी, मनोज जी, बहन विनीता जी, हमारी बेटी है ये प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय सुमित पचौरी जी, हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री जी भी यहां पधारे हैं, आदरणीय खगेंद्र भार्गव जी, भाई राजेश जैन जी, संतोष साहू जी, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष यहां उपस्थित, मेरे प्रिय बहनों भाइयों, बटुक विराजे हैं लेकिन मेरे दिल से तो भाई भांजे ही आवाज निकलती है। एक अद्भुत रिश्ता है मामा का भांजे और भांजियों से, इससे पवित्र रिश्ता कोई दूसरा नहीं है। महाराज जी हमारे यहां गांव में कहावत थी कि 100 ब्राह्मण का एक भांजा, ये हमारे गांव में कहावत, 100 ब्राह्मण की सेवा के बराबर एक एक भानिज की सेवा है, तो मेरे तो कितने भानिज हैं। लेकिन आज हम सब आनंदित है, देखिए भारत को और केवल भारत नहीं पूरी दुनिया को भी बचाने का कोई काम करेगा तो हमारा सनातन ही करेगा, देखना। कई लोग मुझे कहते हैं ये मुख्यमंत्री को क्या हो गया, वो कहीं पुलपुलिया सड़क अस्पताल स्कूल बनाने के बजाय महाकाल महालोक बना रहे, देवी लोक बना रहे, शंकराचार्य जी की प्रतिमा लग रही है, हनुमान लोक बन रहे हैं, राम राजा लोक बन रहे हैं, संतों के स्मारक बन रहे हैं, क्या ये मुख्यमंत्री का काम है? मैं कहता हूं पुलपुलिया स्कूल अस्पताल सड़क बनाना तो मुख्यमंत्री का काम है ही, लेकिन धर्म और संस्कृति के संरक्षण का काम करना और बढ़ाना यह भी मुख्यमंत्री का काम है, सरकार का। जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो मंदिरों में एक पैसा नहीं लगाते थे, कहते ये हमारा काम थोड़ी, लेकिन मैं कहता हूं कि ये हमारा ही काम है, हमारा नहीं तो किसका काम है भाई। और मैंने पहले भी कई बार कहा हिंदुत्व अद्भुत है, हिंदुत्व क्या है, एकम सत विप्रा बहुधा वसंती आत्मवत सर्वभूतेषु सिया राममय सब जग जानी वसुदेव कुटुंबकम, धर्म की जय हो हिंदुत्व है, अधर्म का नाश हो हिंदुत्व, प्राणियों में सद्भावना हो हिंदुत्व है, और केवल अपना नहीं विश्व का कल्याण हो ये हिंदुत्व है। ये हमारे संत जो खड़े रह के दुनिया के कल्याण की कामना करते हुए उद्घोष करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, केवल मैं नहीं सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। और ये ही हिंदुत्व भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, ये मेरा अटल विश्वास है। और इतने संतों की सेवा करना है तो बड़े भागे कबीर संगत साध की निष्फल कभी न होए, ऐसी चंदन वास्ता नीम न कहती कोई, संतों का संग मिल जाए वो भाग्य सौभाग्य है जी, क्या आज आपके दर्शन करने का अवसर मिला है, बिन सत्संग विवेक ना हो, राम कृपा बिन सुलभ न कोई सोई, राम जी की कृपा है अभी गुफा मानिए अपने धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। मानस भवन तो बनेगा ही 34,83,00,000 रुपए की लागत से, लगभग 35 करोड़ रुपए, लेकिन महाराज जी आज मेरे मन में आया कि भोपाल में भी गुफा लोक क्यों ना बना दिया जाए,
और इसकी आप रूपरेखा तैयार कर लो। महाराज जी का मार्गदर्शन, संतों का संग। आलोक जी आगे बढ़ो भाई, पूरी रूपरेखा तैयार करो। मेयर साहब जी और भोपाल विकास प्राधिकरण जी, भगवान भोलेनाथ की कृपा है, पैसे की कमी मामा को होती नहीं है, इसलिए तो सब होता चला जाए। ये उन्हीं की कृपा है, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। आज पूरे प्रदेश बैठा है एक जगह से, मैं रविंद्र भवन, उसके पहले अभी रसोई गैस 450 में देना है, तो मेरी बहना पैसे डाल रहा हूं खाते में, ज्यादा में ले ली तो वो कार्यक्रम भी करना। आज हजारों जगह कार्यक्रम है एक जगह से, और मैं एक घंटे से ज्यादा लेट हूं। पूरे प्रदेश में घर घर, शहर शहर, गांव गांव लोग बैठे हैं, इसलिए मैं संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, ये मानस भवन तो बनेगा ही, गुफा लोग की कल्पना ऐसी करते हैं अद्भुत। यहां जमीन कितनी महाराज जी अपने पास, लगभग अपन कुछ रचना बनाते हैं, इसमें क्या बनाया जाए जो धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरणा देता रहे। आपके चरणों में प्रणाम, आप सबको भी प्रणाम।